हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज अपन फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं इसमें अपन वन थ्री फाइव पढ़ेंगे ठीक है और अमीन्स ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स पेप्टाइड्स ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपकी यूनिट थर्टीन है ठीक है अमीनो एसिड्स एंड द पेप्टाइड्स तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है स्ट्रक्चर पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है फिर जेटर आयनिक नेचर आइसो पॉइंट फिर देखना है स्टीरो केमिस्ट्री की अमीनो एसिड्स की स्टीरोमिस्ट्री क्या है कौन सा कॉन्फिग्रेशन है फिर सिंथेसिस पढ़नी है फिर रिएक्शंस पढ़नी है फिर आपको पढ़नी है पेप्टाइड की कैसे सिंथेसिस करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है पेप्टाइड का है ना तो इसके इसके ऊपर तो एक अलग वीडियो मैं वैसे भी बना चुकी हूँ पेप्टाइड्स के ऊपर बट हम जो यहाँ देखेंगे वो हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स उसके बाद हम देखेंगे मेरी फील्ड सॉलिड फेस सिंथेसिस तो ये जो टॉपिक है मेरी फील्ड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में एज इट इज आ जाता है ठीक है लॉन्ग आंसर में सो so, ये यूनिट थ्री है अब अपन स्टार्ट करते हैं तो अमीनो एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें दो ग्रुप्स होते हैं एक अमीन ग्रुप एक होता है कार्बॉक्सी ग्रुप ठीक है तो ये बाई फंक्शनल है है ना और ये प्रोटीन्स किससे बने होते हैं अमीनो एसिड से इसलिए हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन ओके नाउ सी द स्ट्रक्चर अब आप यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर का भी एक अलग वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो आप लोग देख सकते हो ठीक है ये कार्बन है इससे एक आर ग्रुप जुड़ा होगा इससे एक एन एच टू ग्रुप जुड़ा होगा इससे एक सी ओ ओ एच ग्रुप जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है आपका अमीनो एसिड का ठीक है अब हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं ठीक है थीके? करीब हंड्रेड डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर नोन टू अकर नेचुरली कम से कम सौ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं बट ट्वेंटी ऑफ देम स्पेशल अटेंशन हमारा डिजर्व करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं तो ये जो अमीनो एसिड्स दिए हैं इस टेबल में अभी आपको बताऊंगी ये ऐसे ट्वेंटी अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है नाउ तो अपन इसके आगे देखते हैं ठीक है अच्छा इस अमीनो एसिड को हम अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं ठीक है एन एच टू सी ओ ओ एच आर ग्रुप एच ग्रुप एसिड क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन और उससे अमीन ग्रुप जुड़ा है तो ये जो आपका एसिड है इसको आप बोलते हो अमीनो एसिड ठीक है अब अपन देखते हैं आगे की बात सो सी यहाँ पर जो एसिड्स दिए हुए हैं वो एसिड्स क्या हैं? देखो ये स्ट्रक्चर एक नॉर्मल अमीनो एसिड का है अब यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो क्या करेगा वो वेरी करेगा अगर आर ग्रुप आपका एच है ठीक है तो वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसको हम ग्लाइसिन कहते हैं जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अमीनो एसिड में ये तीन चीजें होती हैं एक आर ग्रुप होता है अब अगर आपने आर ग्रुप को हटा के यहाँ पर एच लगा दिया तो ये बन गया हमारा ग्लाइसिन ठीक है और इसको जब भी हम ये जो सिंबल्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग के तीन वर्ड लिखते हैं डिनोट करने तो जी आल जी एल वाई मतलब होता है ग्लाइसिन ठीक है तो ये हो गया अब इसका वन लेटर कोड अगर आप देखोगे तो जी लिखोगे मतलब स्टार्टिंग का लेटर लिखना है। अब अगर आपने R ग्रुप को H था एक बार, अब एक बार अगर CH three हो गया, तो ये हो जाएगा alanine, तो A L A और कोड होगा A। अगर आपने R ग्रुप को रखा है आइसोप्रोपिल ये आइसोप्रोपिल तो ये हो गया वेलिन तो V A L और V कैपिटल। अब अगर आपने R ग्रुप को रख दिया CH, CH three, CH three, तीन CH three जुड़े हैं इससे। तो ये आपका हो जाएगा Leucine, L -E -U -L, code, ल्यूसीन एलईयू एल इसका कोड वन लेटर कोड फिर आइसोल्यूसीन तो आइसोल्यूसीन में क्या होता है सी एच से दो एक सी एच थ्री एक सी एच टू जुड़ा होता है और फिर सी एच टू से सी एच थ्री जुड़ा है तो ये हो गया आइसोल्यूसीन ठीक है फिर मिथ्योन मिथ्योन में एक सल्फर है साइड चेन में आप देखो तो ये इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने स्टार बनाया ये वन मार्क्स में आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है तो मीथियोनिन इज द आंसर देन रिंग रिंग बनी है प्रोलीन में ठीक है ग्लाइसिन याद रखो मीथ्यूनिन याद रखो फेनिल याद रखो फेनिल याद, याद रखना आसान है आर ग्रुप यहाँ पे क्या है आर ग्रुप आपका यहाँ पे है ये रिंग ठीक है तो फेनिल एलिन ठीक है इसको आप एफ से डिनोट करते हो फिर एक और रिंग आ जाएगी ट्रिप्टोफेन सीरीन फिर थ्रियोनिन सिस्टीन सिस्टीन में भी सल्फर कंटेनिंग है सिस्टीन भी आपका सल्फर कंटेनिंग है याद रखना मिथ्यूनिन और सिस्टीन दोनों फिर आप देखो ट्रायोसिन है एस्पार्जिन है ग्लूटामिन है ठीक है और क्या है स्पार्टिक एसिड है ग्लूटामिक एसिड है लाइसिन है, है।, है। ल्यूसिन लाइसिन में कंफ्यूज नहीं होना है आर्जिनिन है हिस्टडीन है ठीक है हिस्टिडीन याद रख सकते हो फाइव मेंबर रिंग है उसमें दो नाइट्रोजन है तो इस तरीके से आपको आता है अब वो हो, क्या होता है कि अमीनो एसिड में देखो ये क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे मैंने बोला था कि सल्फर एक हो गया मीथियोनिन आपका और एक आपका कौन सा हो गया सिस्टीन सिस्टीन ठीक है फिर एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड क्या होता है तो अगर ये सीओ एच ग्रुप है उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है अल्फा से अगर अमीन ग्रुप जुड़ा है तो अल्फा अमीनो एसिड अगर ये सीओ ओओ से कार्बन जुड़ा है वो अल्फा है तो उसके बाजू वाला बीटा अगर बीटा से अमीन ग्रुप जुड़ा है तो बीटा अमीनो एसिड अब ये क्या हो गया अल्फा बीटा गामा गामा से जुड़ा है इसलिए गामा अमीनो एसिड ओके तो ये आसान था अब अपन देखते हैं जूटर आयनिक नेचर ठीक है तो ज्विटर आयनिक नेचर क्या होता है सुसी तो अभी मैंने आपको बोला कि अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें अमीन्स का तो वो है ये ठीक है ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है ठीक है क्यों क्योंकि ये अपना एच दे सकता है ये एक्सेप्ट कर सकता है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं एसिडिक बेसिक ओके सोनो ग्रुप्स सो तरीके से बिहेव कर सकता है या दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ भी बेसिक के बेस के साथ भी सो so, ये हम एम्फोटेरिक बोल सकते हैं अमीनो एसिड्स को क्यों क्योंकि बेस सो so, अब अगर एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो रिएक्ट कर सकते हैं रिएक्ट करके एसिड बेस क्या बनाता है सॉल्ट तो ये इसको हम बोलते हैं कि दे आर इनर सोल्ट इनर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है बेसिक ग्रुप भी है समझ रहे हो मेरी बात अब क्या बोल रहे हैं इसीलिए सिंस दे एग्जिस्ट एज एसिड इन द बेस एंड दे एक्ट एज इनर सॉल्ट दिस प्रॉपर्टी नोन एजर आइंस ठीक है ज्विटर आपको क्यों? बताया और ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है एन एच थ्री बना सकता है और अगर इस पर कार्बोक्सिक ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है तो आप देखो एच प्लस इसने डोनेट किया तो ये एसिडिक बिहेव कर रहा है एन एच थ्री ने एक्सेप्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है अब हम क्या कह सकते हैं कि ज़्विटर आयनिक जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की ये क्या करते हैं दे अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग लैटिस इस वजह से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग लैटिस स्ट्रक्चर टेक प्लेस ठीक है लैटिस अब ये स्ट्रक्चर है इनके बीच में इंटरेक्शंस uh, होंगे लैटिस क्या होता है जैसे NaCl का लैटिस है है ना तो लेटिस मीन द स्ट्रक्चर द अरेंजमेंट जिसमें मॉलिक्यूल अरेंज है तो लैटिस फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंग लैटिस यहाँ पे होता है जिसकी वजह से क्या करता है? ये करते हैं ये सिमिलर बिहेव करते हैं आयोनिक कंपाउंड की जैसे अब आयोनिक कंपाउंड में तो स्ट्रोंग इंटरेक्शन है स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जल्दी मेल्ट नहीं होते है ना सॉलिड से लिक्विड नहीं होते जल्दी से कन्वर्ट बट ये डी हो जाते हैं अगर आप हीट करते हो तो ये डीकम्पोज होते हैं बट ये मेल्ट नहीं होते है. ठीक है अब ज्वेटर आयनिक नेचर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर हाई सॉलिबिलिटी इन वाटर आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा सॉलिबल होते हैं पोलर नेचर के कारण सेम चीज ये भी है ये वाटर में ज्यादा सॉलिबल होते हैं ठीक है अब लो सॉलिबिलिटी इन नॉन पोलर फिर लार्ज डायपोल मोमेंट भी ज्वेटर आयनिक नेचर को एक्सप्लेन करता है तो ये हमारा था ज्वेटर आयनिक नेचर the nature where amino acid acts as both base and the acid okay Now, इसी चीज से जुड़ा हुआ एक ek आता है hai isoelectric point and the electrophoresis. तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है वो पी है एक ठीक है अभी हम देखते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है अमीनो ग्रुप है अमीनो ग्रुप को हम प्रोटोनेट कर सकते हैं ठीक है प्रोटोनेट कर सकते हैं और कार्बोक्सी ग्रुप को क्या कर सकते हैं हम डी प्रोटोनेट कर सकते हैं तो कार्बोक्सी ग्रुप सीओ की जरह से एक्ट कर सकता है और NH2 NH3 पॉजिटिव की जैसे एक्ट कर सकता है तो जो एसिडिक ग्रुप था है ना एसिडिक ग्रुप अब क्या बन जाएगा इज सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन अब ये जो है ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन बन जाएगा मतलब substituted ammonium ion जो है ये acidic group बन जाएगा और जो बेसिक ग्रुप है ये carboxylate group जो है अब ये basic nature की तरह act करेगा ठीक है अब अगर हमने इस चीज में स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन दे दी ठीक है एसिडिक कंडीशन दे दी मतलब जहाँ पे H प्लस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे और वो कब होता है लो पीएच पे होता है तो एट लो पीएच अगर हम एसिडिक कंडीशन दे रहे हैं तो कार्बोक्सिलेट क्या होगा जो ये ये जो है ना सी नेगेटिव इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा फिर से प्रोटोनेट हो जाएगा प्रोटोनेट हो जाएगा स्ट्रॉन्गली प्रोटोनेट होगा मतलब ये जो एच प्लस है ये इससे जुड़ जाएगा आके तो ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो गया फिर से एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ठीक है इसका मतलब क्या है कि सीओ एच जो था ये हमारा एच दे सकता था तो ये एसिड था और एन एच थ्री एक्सेप्ट कर सकता था तो ये बेसिक था बट अब आप आगे भी देखोगे कि जो सब्सिट्यूटेड अमोनियम आयन है क्या करता है ये भी एच प्लस देता है और ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए हम इसको बेसिक कह रहे हैं और यहाँ पे अमोनियम आयन को एसिड कह रहे हैं ठीक है बेसिसिटी क्या होती है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है लो पीएच पे बेसिक की तरह बिहेव कर रहा है अब अगर हमने स्ट्रोंगली बेसिक कंडीशन दे दी मतलब एच प्लस कम है और ओएच OH चाइन ज्यादा है तो क्या होगा हाई पी एच है ये एट हाई पी एच तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोन अमीन ग्रुप से है ना अमोनियम आयन वाला जो ये अमोनियम आयन है इससे आपका क्या होगा एच प्लस रिलीज होगा अब जब इससे एच प्लस रिलीज हो रहा है तो ये एसिड की जैसे बिहेव कर रहा है इसलिए यहाँ पे लिखा था ठीक है तो अब देखो ये एन एच टू नॉर्मल आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा सो दिस इज बेसिकली बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड कब जब एसिड को बेसिक कंडीशन हम देते हैं तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे कि लो पीएच पे ये प्रोटोनेट हो जाएगा COH एच बन जाएगा और हाई पी एच पे एन एच थ्री पॉजिटिव जो था वो एन एच टू बन जाएगा और ज्वेटर आयन ये ये मतलब जब दोनों बिहेव करेगा एसिडिक बेसिक है ना या आप उसको दूसरे वे से ये भी कह सकते हो कि चार्ज स्पीशीज रहे दोनों तो ये आपका ज्वेटर आयन है सो so, अब आपने क्या देखा यहाँ पे लो पीएच पे ये जो स्पीशीज है फर्स्ट उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है है ना क्योंकि अमोनियम आयन है और हाई पीएच पे जब बेसिक कंडीशन आ रही है तो कार्बोक्सिलेट पे नेगेटिव चार्ज है तो ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज है बट ज्वेटर आयन है ये क्या ये neutral है ये न्यूट्रल क्यों है क्योंकि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो ये चीज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ठीक है अब यहाँ पर अपन क्या देखते हैं आगे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ठीक है तो अभी हमने ऊपर देखा कि अमीनो एसिड प्रोटोनेट हो सकता है है है, ना, एंड कार्बोक्सिलेट भी हो सकता बट एक इंटरमीडिएट पीएच होता है जिसपे अमीनो एसिड जुएटर आयन की जैसे बिहेव करता है और उस पीएच पे अमीनो एसिड पे नेट चार्ज क्या होता है जीरो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर से है तो वो पीएच जिसपे जुएटर आयन एग्जिस्ट करता है या वो पीएच जिसपे अमीनो एसिड का चार्ज जीरो होता है या नो नेट चार्ज होता है वो पीएच कहलाता है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सो द पीएच एट एच विच दिस आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट so no तो ये हमारा आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ठीक है तो ये हमें याद रखना है अब एट इस पी एच पे क्या होगा कि अमीनो एसिड इज स्टेशनरी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने लगा दी तो ये उस टाइम पे क्या होगा कि जो माइग्रेशन है वो नहीं होगा ना? है ना इट माइग्रेट्स नाइदर टू टू द द नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल क्योंकि चार्जेस क्या बैलेंस्ड है अगर जब चार्ज अनुल होता है तभी तो माइग्रेशन होता है ना बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है तो अब हमने क्या देखा कि ये पूरा मैकेनिज्म देखा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के पीछे का ठीक है अब ये पी के वैल्यूज और पी के वैल्यूज दी हुई हैं आपकी है ना लो पी एच पे देर आर टू एसिडिक इन द अमीनो एसिड है ना एंड इट हैज टू के वैल्यूज लो पी एच पे दो आपके पास क्या है एसिडिक साइट्स हैं ओके तो यहाँ पे दो पी के वैल्यूज है एक टू पॉइंट फोर नाइन पॉइंट एट तो पी के वैल्यूज जितनी ज्यादा होती हैं उतना स्ट्रांग है ना हम कह सकते हैं कि जैसे एसिड है सो so, ये सारी यहाँ पर दी हुई है तो दिस लीड्स टू द कंक्लूजन डेट ड्यू दू टू द इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ प्रोटोनेटेड अमीनो ग्रुप द एसिडिटी ऑफ अमीनो एसिड इज इंक्रीज एज कम्पेयर टू इथिनोइक एसिड सो यहाँ पे ये यह बताया हुआ है कि जैसे अमीनो ग्रुप अगर रहता है हमारा प्रोटोनेटेड है मतलब एनएच टी पॉजिटिव में है तो इसका नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड है ठीक है क्योंकि अमीनो एसिड पे लोन पेयर है है ना तो एक्चुअली उसको डोनेट करना चाहिए बट पॉजिटिव चार्ज है 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 तो क्या है? है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा न्यूट्रलाइज करने और इस वजह से क्या होगा कि H प्लस जो होगा वो इजिली रिलीज होगा क्यों क्योंकि ये COOH वाला जो ग्रुप है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका एसिडिक नेचर अमीनो एसिड का बढ़ेगा कब अगर इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है तो ठीक है तो ये यह यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है अब अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नथिंग बट इट इज अ टेक्निक है ना एक टेक्निक है जहाँ पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो माइग्रेशन होता है चार्ज पार्टिकल्स का ठीक है माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है अब क्या करना है तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मोबिलिटी अलग अलग होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अब ये किस पे डिपेंड करती है तीन चीजों पे डिपेंड करती है मोबिलिटी आयंस की एक तो साइज पे एक चार्ज पे और एक और चीज पे शेप पे ठीक है तो अमीनो एसिड का मोबिलिटी रेट अलग अलग होता है सो द डिफरेंट अमीनो एसिड जो कि पेप्टाइड बनाते हैं आपके और प्रोटीन बनाते हैं है ना ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं तो इलेक्ट्रोफेरे से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं है ना तो अमीनो एसिड से हम

और जब वो पीएच आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा वो अलग होगा उस हिसाब से अमीनो एसिड अलग-अलग सेपरेट होंगे ठीक है अलग-अलग डिस्टेंस पे सो दस एट अ पर्टिकुलर पीएच इन अ सॉल्यूशन वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड की तरफ मूव करेंगे बट इनका रेट अलग होगा ठीक है तो अभी आपको इतना ही पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिटेल अगर पढ़ना होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी अब यहाँ पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है स्टीरियो केमिस्ट्री मींस कि डी कॉन्फिगरेशन है और एल कॉन्फिगरेशन है क्या है स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है ठीक है तो जो टू अमीनो एसिड है है ना डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स और द हायर प्लांट्स वो पाए गए कि उनका एल कॉन्फिगरेशन है ठीक है अब एल कॉन्फिगरेशन है तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं जब कॉन्फिग्रेशन का असाइनमेंट हुआ कि क्या असाइन करें तो ग्लिसरल हाइट को चूज किया गया स्टैंडर्ड कंपाउंड ठीक है तो ग्लिसरल डी को चूज करा और ये बताया कि अगर जैसे इसको मान लो एन एच टू एच आर ठीक है ये सिर्फ के लिए बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपका एल कॉन्फिग्रेशन या डी क्या होता है है ना अगर जैसे आपका अमीनो एसिड राइट साइड पे है ठीक है सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो आप इसको बोलोगे कि ये डी है डी मतलब राइट साइड पे एल अगर आपका अमोनियम ये जो आयन है अगर ये आपका लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे भी आप इसको अमोनियम आयन कर लो तो ये हो जाएगा एल तो ये है हमारा एल कॉन्फिग्रेशन ठीक है इसलिए एल ग्रेस से ये मैच करता है इसलिए हमने इसको एल कॉन्फिग्रेशन असाइन किया ठीक है तो ये फिशर प्रोजेक्शन है इसका ओके तो यहाँ पे ये आपको बस इतना ही देखना था कि कॉन्फिग्रेशन क्या होता है है ना अब यहाँ पे आर और एस आर और एस क्या होता है कि अगर क्लॉकवाइज होता है ठीक है तो आर होता है अगर एंटी क्लॉक होता है तो एस होता है तो अब ये कैसे होता है ये होता है है ये के बेस पे सबसे पहले अपन देखते हैं अटोमिक नंबर ज्यादा है, तो है, ज़्यादा उसके हिसाब से आइसोटोप की प्रायोरिटी बनती है ठीक है उस हिसाब से आपको ये असाइन करना होता है तो ये हम देखेंगे लास्ट में आज हम थ्योरी कर लें ओके अब आपको देखना है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स तो सिंथेसिस की जो मेथड्स हैं वो उसमें गेब्रियल थैलेमाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आती है एग्जाम में तो ये तीन मेथड दी हुई हैं देखो यहाँ पे एक स्ट्रीकर सिंथेसिस दी है एक दी है आपकी फ्रॉम टू हेलो एसिड टू हेलो एसिड मतलब सेकेंड कार्बन पे हेलोजन अटैच है उस तरीके से कैसे आपका अमीनो एसिड बनता है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है ठीक है तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कहना चाहिए हमें वो थैलेमाइड का यूज करके हम अमीन्स बनाते हैं ठीक है सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गेब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमीन्स ठीक है एक नॉर्मल होती है गेब्रियल सिंथेसिस उसका मॉडिफिकेशन है जहाँ पे थैलेमाइड यूज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो लिया है वो लिया है वन टू बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक इमाइड ये है हमारा थैलेमाइड तो थैलेमाइड का फॉर्मूला अगर यह आईपीएससी नेम पूछे तो वन टू बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक इमाइड ये है आपका पोटेशियम थैलेमाइड क्योंकि यहाँ पोटेशियम है तो ये आपका बेंजीन है डाइकार्बोक्सिलिक है और इमाइड है ठीक है तो ये आपका हुआ ये नाइट्रोजन जब लगा रहता है ना लोन पेयर्स के साथ तो यहाँ पे इसको इस स्ट्रक्चर को हम एमाइड कहते हैं तो ये हमारा थैलेमाइड हुआ अब आपको इसका एल्काइलेशन कराना है किसके साथ टू ब्रोमो प्रोपेन डाइट ओएट मतलब एस्ट है ना तो यहाँ पर आप देखो टू ब्रोमो तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सेकेंड पे ब्रोमो है प्रोपेन क्योंकि तीन कार्बन है है ना प्रोपेन ओएट तो वन टू थ्री प्रोपेन ओएट से हमने इसकी रिएक्शन कराई ठीक है तो हमें क्या मिला ये इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट मिला इसकी ये एन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट है अब यहाँ क्या हुआ कि पोटेशियम निकल गया और जो सी एच था के बी आर निकल गया यहाँ से और ये सी ने इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर बना ली इसका एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज ये है कि जो एलकाइलेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है है ना इट कैन बी फर्दर एलकाइलेटेड इसको हम फर्स्ट फर्दर एलकाइलेटेड कर सकते हैं ठीक है क्या कर सकते हैं कि एल्काइलेट करके सब्सिट्यूटेड अमीनो एसिड्स बना सकते हैं और ये रिएक्शन सिक्वेंस वाइज चलती रहेगी और हमें अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे ठीक है तो ये आपने देखा कि ये जो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट था उसको हमने लिया और अब हम क्या करा रहे हैं इसकी रिएक्शन सी एच सी सी एच टू ओ एन ए सोडियम इथनोएट के साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो आप यहाँ देखो कि फिर से क्या हुआ एच निकल गया है ना एच एक्स निकल गया होगा और ये जो आर था यहाँ आके अटैच हो गया अब हमने फिर से इसकी अब यहाँ से वाटर के प्रेजेंस में एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो क्या हो रहा है देखो ये प्रोटोनेट हो गए CH2CH3OH निकल गया क्योंकि तो यहां वाटर था और एच यहां पर आके अटैच हो गया जो H+ के रिएक्शन में कराई हमने ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुई और एच यहाँ पे आके अटैच हो गया तो ये एसिड बन गया अब यहाँ से सीओ टू निकल जाएगी डी हो रहा है जब सीओ टू निकल गई तो ये सी एच पचा एक ही ग्रुप से निकल रही है और ये ध्यान रखना है दूसरा ग्रुप एज इट इज है फिर आपने क्या किया फिर से H प्लस की प्रेजेंस रख दी H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा अब हमारे पास इसमें देखो इसमें क्या कमी है कि ये अमीनो एसिड बन जाए तो हमारे पास H है आर एच सीओ एच है अब हमें NH2 चाहिए तो क्या कर सकते हैं h+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे यहां nh2 आ जाएगा तो ये टू अमीनो एसिड बन गया ठीक है सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फ्रॉम थैलेमाइड तो हमने क्या किया हमने रिएक्शन कराई एक एल्काइलेटिंग एजेंट के साथ जो था अह डाई एथाइल टू ब्रोमो प्रोपेन डायोएट ठीक है दाए, डाई डाई एथाइल सो so, उसके बाद हमने थैलेमाइड के साथ रिएक्शन कराई थैलेमाइड हमने पोटेशियम थैलेमाइड यूज किया ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरी मैकेनिज्म भी दी है तो आप एक ही याद करो वो आपके लिए सफिशियंट है अब आप देख देखो स्ट्रीकर सिंथेसिस तो स्ट्रीकर सिंथेसिस काफी आसान है इसमें आपको एक एल्डिहाइड लेना है एल्डिहाइड लेने के बाद आपको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो मिलता है वो इमीन मिलता है तो ये जो बॉन्डिंग होती है ना किसी में अगर प्रेजेंट है तो ये इमीन हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि फिर आपकी रिएक्शन यहाँ पे हुई ये कन्वर्ट कैसे हुआ इथेनॉल की रिएक्शन हमने अमोनियम अमोनिया के साथ और वाटर यहाँ से निकल रहा है कैसे निकल रहा है अब ये जो डबल बॉन्ड थी ठीक है इससे नाइट्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो रहा है और एनएच अटैच हो रहा है और यहाँ से आपका ऑक्सीजन निकल रहा है तो दो एच तो थे है ना और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो एच टू ओ यहाँ से निकल रहा है और ये डबल बॉन्ड के साथ अमोनिया बॉन्ड बना रहा है अब एच सी एन की रिएक्शन होगी तो एच सी एन की रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है सिमिलरली यहाँ पे होगा तो कार्बन जो होगा आपका उससे जो अटैच होगा वो साइनाइड होगा ठीक है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और जो एन एच है इससे आपका एच अटैच होगा तो ये अभी भी हमारे पास एक चीज की कमी है हमें साइनाइड की जगह सी ओ एच चाहिए तो जब हमें साइनाइड को सी ओ एच ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये जो है ये एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है सी ओ ओ एच में ठीक है तो ये हमारा रिएक्शन हुई तो ये आसान था डायरेक्ट अगर हम इथेनॉल से डायरेक्ट टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड देखें तो क्या हो रहा है कि एक कार्बन बढ़ रहा है है ना तो ये हम आ, इसको कह सकते हैं कि चेन इंक्रीजिंग या चेन हाँ इंक्रीजिंग स्टेप कह सकते हो आप कि वन मोर कार्बन आपको यहाँ पे मिल रहा है सो इथेनॉल लिया आपने और आपको टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड अमीन मिल रहा है ना देखो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है सीओओएच अटैच है एन टू है और आर ग्रुप में सी एच थ्री है टू हेलो एसिड से अब टू हेलो एसिड मतलब क्या कि कोई भी ऐसा एसिड जिससे कार्बन पे एक्स है और यहाँ कोई आर ग्रुप है तो ये आपका टू हेलो एसिड हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पे तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे टू हेलो एसिड कैसे बन सकते हैं तो वो हेल वोलार्स की एक रिएक्शन है नेम्ड रिएक्शन जो वीडियो मेरा डला है उसमें आप देख सकते हो इसको हम हेलवलार्ड जेलेंस की जो रिएक्शन होती है ना उसमें अल्फा पोजीशन पे आके अटैच होता है तो वो रिएक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो आप जब उस रिएक्शन को देखोगे देखोगे तो आपको उससे टू हेलो एसिड्स मिल जाएंगे बट हमें यहाँ वो नहीं देखना है हमें यहाँ सिर्फ ये देखना है कि हमने कोई भी टू हेलो एसिड का यूज़ किया और उससे हमें अमीनो एसिड मिल जाए तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन है ठीक है बाय एनएच थ्री तो यहाँ क्या होगा आप देखो बी आर हमारे पास सब कुछ है सी ओ ओ एच भी है एच बी आर ग्रुप भी है बस हमें बी आर की जगह सी ओ एच ग्रुप चाहिए तो क्या करोगे अमोनिया के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो एन एच टू आ जाएगा और एन एच टू ग्रुप चाहिए था सॉरी तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे दोगे तो एन एच टू आ जाएगा और यहाँ सी ओ ओ एच और एन एच फोर बी आर आपका निकल जाएगा क्योंकि दो एन एच थ्री थे एक एन एच टू यहाँ आ गया ठीक है तो जो बचा हुआ

तो जब हम रेसिमिक मिक्सचर का सेपरेशन करते हैं तो वो रेजोल्यूशन कहलाता है टेक्निक ठीक है तो अगर आपको मिक्सचर तो या फिर chiral synthesis. Chiral synthesis मतलब कि एक ऐसा कार्बन जनरेट करना पड़ेगा जिससे चारों अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं सो so इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर आपको आता है कि राइट एनी टू सिंथेसिस मेथड ऑफ तो टू हेलो एसिड्स और जो स्ट्रीकर सिंथेसिस थी इथेनल से टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड बेस्ट रिएक्शन है बट आपको पूछा थैलेमाइड वाली रिएक्शन भी जाती है स्पेसिफिकली इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स ओके सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू